न बल्ले से रन न बॉल से विकेट, यह है मुंबई इंडियंस के नए कप्तान हार्दिक पांड्या का नया स्टाइल। न ही हार्दिक पांड्या सही से कप्तानी कर पा रहे हैं, न ही बल्लेबाजी कर पा रहे हैं और न ही गेंदबाजी कर पा रहे हैं। कल मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच एक हाई स्कोरिंग मुकाबला खेला गया, जिसमें मुंबई इंडियंस को 31 रन से हार का सामना करना पड़ा। कल सनराइजर हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टोटल 277 रन बनाया और मुंबई इंडियंस को लक्ष्य मिला 278 रनों का। जवाब में मुंबई इंडियंस बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 246 रन बना सकी और 31 रन से मैच हार गई। 246 रन मुंबई इंडियंस का आईपीएल में हाईएस्ट टोटल है। इस मैच में सबसे ज्यादा 38 छक्के लगे हैं। इससे पहले आईपीएल इतिहास में एक मैच में 38 छक्के नहीं लगे थे। 277 रन के जवाब में जब मुंबई इंडियंस बल्लेबाजी करने आई तो उन्होंने धमाकेदार शुरुआत की। एक तरफ जहां ईशान किशन 13 बॉल में 34 रन बनाए, वहीं रोहित शर्मा ने 12 गेंद में 26 रन बनाए, नमन ने 14 गेंद में 30 रन और तिलक वर्मा ने 34 गेंद में 64 रन बनाए और मुंबई इंडियंस की उम्मीद को मरने नहीं दिया। फिर एक ओवर आता है, 13वां ओवर, जहां पे सारा का सारा गेम पलट गया। उस टाइम बल्लेबाजी कर रहे थे हार्दिक पांड्या और टिम डेविड। भुवनेश्वर कुमार ने इस 13वें ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए। फिर यहां से मुंबई इंडियंस कभी भी अपना मोमेंटम वापस नहीं ला पाई। मुंबई इंडियंस के हार के बाद इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार अगर कोई है तो वो है हार्दिक पांड्या। न सही से कप्तानी कर पा रहे हैं, न ही बल्लेबाजी और न ही गेंदबाजी। जहां हार्दिक पांड्या मैदान पर बार बार गलती करते हुए नजर आए, हार्दिक पांड्या ने पिच पढ़ने में पूरी तरह से गलती की, क्योंकि कोई बेवकूफ कप्तान ही सपाटे पिच पे टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा। हार्दिक पांड्या की जो दूसरी गलती थी वह है जसप्रीत बुमराह को नई गेंद से गेंदबाजी न करवाना। अभी हाल के मैच में देखा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या खुद नई गेंद से गेंदबाजी करने आ जा रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह नई गेंद से कितनी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं या किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हार्दिक ने यह गलती बार बार दोहराई है, पिछले मैच में भी दोहराई थी और इस मैच में भी दोहराई है। हार्दिक पांड्या की आलोचना इरफान पठान ने बताया कि उनकी कप्तानी बहुत ही एवरेज रही है। एक तरफ जहां 278 रन का लक्ष्य था, वहीं हार्दिक पांड्या बहुत स्लो बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। शुरुआत की 3 गेंदों को हटा दिया जाए, हार्दिक पांड्या पूरे मैच में स्ट्रगल करते हुए नजर आए। एक तरफ जहां 278 रन का लक्ष्य था, वहीं हार्दिक पांड्या बहुत स्लो खेलते हुए नजर आए। शुरुआत की 3 गेंद को हटा दिया जाए तो हार्दिक पांड्या पूरे मैच में स्ट्रगल करते हुए दिखे। एक तरफ जहां मैच में चौके छक्कों की बारिश हो रही थी, वहीं हार्दिक पांड्या ने 20 गेंद में मात्र 24 रन बनाए। जब हार्दिक पांड्या क्रीज पे उतरे थे तब 10 ओवर में 141 रन पे 2 विकेट थे और उस वक्त 56 गेंदों में 127 रनों की दरकार थी। जिस तरह की बल्लेबाजी चल रही थी, स्कोर को पाया जा सकता था, लेकिन हार्दिक पांड्या के स्लो बल्लेबाजी की वजह से मुंबई लक्ष्य को पार नहीं कर पाई। अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये हमारा वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। कार चाहिए तो चिंता किस बात की, टैक्सी हब है ना, बस कॉल करो 7352922383 पर। घर बैठे कार मंगवाओ, कहीं भी जाओ और टाइम और पैसा दोनों बचाओ। जाओ